आपको अब्बू की याद आती है? अब्बू अब कहाँ पे हैं? बहुत हो गया। एक दफा मैंने एक बच्चे को बुलाया, मैं तो वो रो रहा था, मैं उसको बुलाया, मैंने कहा आओ यार क्यों रो रहे? कहता है बस अम्मी याद आ रही। मैं कहा अम्मी से बात करो, अम्मी तो है ही नहीं। ओहो मैं भी खा लूँ आपके साथ थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, माइंड तो नहीं करेंगे। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम तमाम अहलियाने इस्लाम और अहलियाने पाकिस्तान को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम आए हैं आगाज़े शहर के ऑर्फनेज हाउस में और यहाँ पर हम तमाम तर छोटे छोटे बच्चे जो के पाकिस्तान के मजाफाती इलाकों से, बलूचिस्तान से, सवात से और इन अतराफ से यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं, यहाँ पर एक अच्छे माहौल में वक्त गुजारते हैं, उनसे मीठी मीठी गुफ्तगू करते हैं, उनसे उनके इलाकों की खूबसूरत चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं और उनकी ज़िंदगी किस तरह से चल रही है शहर लाहौर में, आइए उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। क्या बात, आप ईद के दिन भी बैठे हुए हैं, काम शाम कर रहे हैं? ये तो 24 घंटे का काम है जो हमारे पास, ये रब के मेहमान हमारे हीरोज मौजूद है, ये इधर ही रहते हैं हमारे पास, बलूचिस्तान से हैं, सवात से हैं। हमने टारगेट ही वो इलाके किए हैं जो सैलाब से मुतासर इलाके थे। अच्छा, और वहीं से हम बच्चे लेकर आए हैं सारे। अच्छा, ये मैं देख सकता हूँ आपने प्रॉपर लिखा हुआ है कि कितने बजे उठना है, क्या करना है, पूरी रूटीन है दिन की, नमाज कब पढ़नी है, खाना कब खाना है, कुरान की क्लास कब होनी है, ट्यूशन की क्लास कब होनी है और ये सारा, इसका स्कूल से कब आना है जाना है, वो सारा ठीक है। मैं देख सकता हूँ कि आपने बड़े खूबसूरत यहाँ पर कमरे बनाए हुए हैं और अलग अलग बेड्स रखे हैं। जी, ये क्या तस्वीर है, कैमराज भी लगे हुए हैं आपके? जी बिल्कुल, ये फुल सीसीटीवी फुटेज, आज सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, सारा कुछ मैनेज किया हुआ ताकि ये बच्चों की प्राइवेसी भी कायम रहे और ये बच्चे जो है सुकून की नींद भी ले। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि आज ईद का दिन है लेकिन यहाँ पर कोई जानवर नहीं है, कोई ज़िबा नहीं हुआ यहाँ पर। इसमें दो चीजें हैं, एक ये है कि इन बच्चों के जो फैमिलीज के लिए हमारा पूरा सेटअप है उस के तहत हमने इनकी कुर्बानियां इनके बलूचिस्तान में इनकी फैमिलियों के साथ कर दी है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में एक जो है ना वो हमने एक बकरे का इंतजाम कर दिया है। तकरीबन कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपके पास इस वक्त? हमारे पास इस वक्त जो 14 बच्चे हैं, दो के हमारे पास मजीद कैपेसिटी है, वो सवात से आने हैं, वो सीटें हमारे पास, वो इंशाल्लाह ईद के बाद। यहाँ बड़ा ना इंटरेस्टिंग नाम का बच्चा भी मौजूद है, ये शाहरुख खान साहब, इधर आओ इधर आओ यारू, इधर आ, ये शाहरुख हमारा यार है। ये इन तमाम तर बच्चों के साथ आज हम ईद का दिन गुजार रहे हैं, ईद के दिन खास तौर पर बड़ी ईद के दिन खाना, वो ये देख सकते हैं आप राइट साइड पर प्रॉपर दस्तरखान जो है वो भी लग चुका हुआ है, तो भूख किस किस को लगी हुई है? हां जी, यार लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है इसको, ओए सबको भूख लगी है यार, इनको भी ज्यादा इंतजार नहीं करा, चले जूते उतारें, चले जल्दी करें। क्या हाल है? ठीक है। किस इलाके से आप? तोसा से। तोंसा से? मैं भी खा लूँ आपके साथ थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, माइंड तो नहीं करेंगे। बहुत मजेदार खाना बनाया जाता है, कोई रखा हुआ है आपने प्रॉपर? हाँ जी प्रॉपर, हमने शेफ रखा हुआ जी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर दूध की सेवइयाँ जो है वो भी बनाई गई हैं, तो ये इन बच्चों से जरा गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, एक खाने के बाद फिर इंशाल्लाह बच्चों के दरमियान बैठ के कुछ गेम्स खेलते हैं और फिर इंशाल्लाह आपको वो विजुअल्स भी दिखाते हैं। इन बच्चों का कॉन्सेप्ट आपके जहन में कैसे आया कि इनको अडॉप्ट किया जाना चाहिए? सैलाब के दिनों में जब हमने काम किया मुख्तलिफ एरियाज में, हमें अंदाजा हुआ कि लोग बहुत महरूमियों का शिकार है और महरूमियों को निकालने के लिए हमने पूरा 2 साल हमने फिर इसमें वर्किंग की है, हर जगह पे कैंपिंग की है, वहाँ पे जाके वहाँ पे जो कम्युनिटी है उसको अपने साथ इन्वॉल्व किया है कि आप ये बच्चे इनको हम पढ़ाना चाहते हैं, इनको हम लेके जाना चाहते हैं यहाँ से, यहाँ पर ये इस तरह इनको माहौल नहीं मिलना, तालीम नहीं मिली, फिर वो लोग उनको अंदाजा हुआ कि ये वाकई हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। बच्चों की तरबियत के लिए आप क्या, आपने एक लाहे अमल रखा हुआ है, स्कूल की तालीम पे ज़्यादा फोकस करते हैं या इनकी जो तालीम है दूसरी पुराने मजीद और दीगर? हमारे जी दोनों पर ही फोकस है। बच्चे उदास हो जाते हैं अपने वालिदैन से? एक दफ़ा मैंने एक बच्चे को बुलाया, मैं तो वो रो रहा था, हाँ मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा आओ यार क्यों रो रहे? कहते हैं बस अम्मी याद आ रही। मैं कहा अम्मी से बात करो, अम्मी तो है ही नहीं।
उससे मैंने पूछा भी वाला कब फौत हुई है, उसने अभी साल भी नहीं हुआ, अभी जख्म भी ताज़ा है, जख्म भी इसका ताज़ा है। और मैंने पूछा भी छोटा, कहता छोटा भाई मेरा 3 साल का है, हाँ। उसको छोड़ के आया हूँ, उसको मैं ही खिलाता था, मैं ही ख्याल करता था। क्या हाल है शाहरुख खान? आप ठीक हैं? आपका नाम किसने रखा था? अबू ने। अबू ने रखा था? अबू की याद आती है? घर में सबसे ज्यादा किसकी याद आती है? क्या करते हैं जब याद आती है? दुआ मांगते हैं। दुआ मांगते हैं। अम्मा फोत हो गई? आपको सबसे ज्यादा याद किसकी आती है? मामा की। मामा की याद आती है। आपके अबू का क्या नाम है? आदिश। इदरीस। आपको अब्बू की याद आती है? अब्बू अब कहाँ पे हैं? फोत हो गया। आप क्या करते हैं जब आपको बाबा की याद आती है? सुपारा पढ़ते हैं। सुपारा पढ़ते हैं? सुपारा पढ़ते हैं आप? हिमाल पढ़ते हैं। दुआ करता हूँ। फिर आप उनकी दुआ करते हैं। घर पे कैसे ईद मनाते हो? खुशी से। खुशी से मनाते हो? यहाँ पे मजा आ रहा है ईद के दिन? जी हाँ। आपका छोटा भाई भी है मैंने सुना? जी हाँ। वो क्या करता? घर में रहता। आप भी उसको दूध पिलाते थे फीडर वगैरह में? जी हाँ।